नमस्कार, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सुर्खियों पर हैं। कांग्रेस से तकरार चल रही है, नई पार्टी बनाएंगे। पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता भी मिल गया, एक नेता भी मिल गया, लेकिन क्या वह पार्टी बनाएंगे, क्या वह सक्सेस हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे इस कार्य में, या फिर उनके राजनीतिक जीवन का अंत होने वाला है। अब उनका राजनीतिक जीवन यहीं पर स्टॉप लग गया है, एक रोक लग गई है। इस रोधक से अब वह रुक जाएंगे और राजनीतिक जीवन को यहीं समाप्त कर देंगे, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिस तरह हमें देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कांग्रेस से उनकी तकरारें चल रही हैं, यह सुनने में आ रहा है कि वे राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे। आसार लगाए जा रहे थे, अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी को वह निशाने पर लिए रहे हैं। उन्होंने लगातार उन पर निशाने पर लिया है। अभी यहाँ तक कि महात्मा गांधी को लेकर के, नाथूराम गोडसे को लेकर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा है। लेकिन अब वह भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं जा सकते। अब क्या वह नई पार्टी बनाएंगे, क्या उनमें उनका इतना वर्चस्व है कि वह नई पार्टी बना करके एक ऊंचाई को छू पाएंगे। हम देखेंगे कि मौजूदा समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना की सीट, जो कि उनकी खानदानी सीट रही है, उनकी माता चुनाव लड़ी हैं पिछले, उनके पूर्वजों की सीट रही है गुना की, वहाँ भी वह उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कार्य सही नहीं किया। वहाँ पर उनके खिलाफ विरोध दिखने लगा और वह सीट हार गए, भारतीय जनता पार्टी की खाते में चली गई वह सीट, गुना की सीट। जब आप अपनी एक पारिवारिक सीट नहीं बचा पाए, आप अपनी जिस पे आप राज करते आ रहे हैं वह सीट आपकी खुद की कहलाती थी कि वहाँ पे आपको हराना नामुमकिन है, कोई घुसकर हरा नहीं सकता है, तब वह सीट आप हार जाते हैं। तो अब आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आगे आने वाले समय पर किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। जिस तरह कांग्रेस से आप टूट कर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, इन दोनों जो मेन स्ट्रीम पार्टी कहला रही हैं, केंद्रीय पार्टी कहला रही हैं, या तो कांग्रेस या बीजेपी या उसका NDA या फिर UPA, आप उसको छोड़ने को तैयार हैं और आपने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे जनता को आप प्रभावित कर सकें। आप विवादित नहीं रहे, किसी हिंसा में आपका नाम नहीं आया, लेकिन आपने ऐसा कौन सा कार्य किया था या फिर कौन से कार्य में चूक गए थे कि गुना की जनता ने आपको नकार दिया और आपको बाहर कर दिया, पटखनी दे दी और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अपनी आप पारिवारिक सीट हार गए, जिस पे आप राज करते थे वो सीट आप हार चुके हैं। तो अब ऐसे कौन से आसार हैं, ऐसे कौन से समीकरण आप पेश कर रहे हैं कि जनता आपके पक्ष में आएगी, कांग्रेस के नेता आपके पास टूट के आएंगे, जिस तरह शरद पवार के साथ टूट कर कांग्रेस के नेता गए थे और नई पार्टी का निर्माण हुआ था। तो आपने ऐसे कौन से काम किए हैं, या आप ऐसी कौन सी अब हमें सूचना दे रहे हैं, या फिर जनता को ऐसे कौन से निशान दे रहे हैं, ऐसी कौन सी निशानदेही करके गए हैं कि उनको यह लगे कि आप आगे आने वाले समय में कुछ कर पाएंगे। लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में आ रहा है कि सिंधिया बनेंगे PM, क्या सिंधिया होंगे अगले PM, किस संबंध में वह लोग कह रहे हैं, सिंधिया कैसे बन सकते हैं PM। अभी तो कांग्रेस खुद बैकफुट पर चल रही है, कांग्रेस अपना PM नहीं बना सकती है, तो सिंधिया नई पार्टी बना करके PM कैसे बना सकते हैं। सोशल मीडिया को गंदा कर रखा है इस वक्त, वह कौन लोग हैं जो इस तरह की सूचनाएं फैला रहे हैं। तो आप इस संबंध में अपनी राय में अवश्य दें कि यदि सत्ताधारी पार्टी से अलग होकर, मैं कह रहा हूँ विपक्ष की पार्टी से अलग होकर, कांग्रेस से अलग होकर सिंधिया एक पार्टी बना लेते हैं, तो क्या वह PM बन जाएंगे। यहाँ तक कि एक सांसद या विधायक बनने पर भी अभी उनके सोचना पड़ेगा कि क्या वह बन सकते हैं या नहीं। इस संबंध में अपनी राय हमें अवश्य दें, कमेंट सेक्शन पे दें, मेल करके दें। कार्यक्रम पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंधिया की राय में संबंध में अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए चाहूँगा, नमस्कार।